रियासी जिले को पूरी तरह से बंद रखा गया, कोई भी बाजार नहीं खुला और किसी भी यात्री वाहन की आवाजाही नहीं हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा पुलिस के खिलाफ बंद रखा गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी के राज्य के महासचिव राघव केसर ने बताया कि कुछ दिन पहले कुछ लोगों द्वारा सभी नियमों को तोड़ते हुए रात के 10 बजे पशु तस्करी की जा रही थी। कुछ लोगों ने इसे रोकने का प्रयास किया मगर तस्करों द्वारा पथराव शुरू कर दिया गया जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, मगर पुलिस ने हमारे ही 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि वह निष्पक्ष जांच चाहते हैं और वह उनके साथियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। रियासी में जगह जगह धरना प्रदर्शन किए गए। प्रशासन द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।